वेलकम बैक। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के ऊपर हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्रॉम सीए फाउंडेशन स्टडी मैट। अभी तक का जितना भी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और एडमिशन का जितना भी सीए फाउंडेशन का लेक्चर है सब मेरा प्लेलिस्ट में है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई क्लास लगाने की जरूरत नहीं है, आप पैसा बचाए बेटा। ओके, तो मेरा प्लेलिस्ट में सब है, एकदम बेस्ट है, समझाया हूँ मैं। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं रिटायरमेंट पार्टनर के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम। बेटा कभी भी ध्यान देना, कभी भी कोई पार्टनर रिटायर होता तो क्या बातें ध्यान दो, क्या क्या उसको दोगे। कैपिटल तो देंगे उसको, रिजो का शेयर देंगे, गुडविल का शेयर देंगे या एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवॉल्यूशन का शेयर देंगे। ओके, तो आज हम लोग प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। मस्ट क्वेश्चन है, IMP लिखना, स्टडी मैटर क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, क्वेश्चन दिख रहा है, KLM आर पार्टनर शेयरिंग। अच्छा, इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है, इसके अंदर स्पेशल ये कि इसमें एडमिशन भी होगा और रिटायरमेंट भी होगा, दोनों होगा। सुने, एडमिशन प्लस रिटायरमेंट, इसीलिए मैंने हेडिंग में लिखा है एडमिशन प्लस रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन है। मतलब एक आदमी जाता भी है, दूसरा आता भी है इन टाइम पे। तो मस्त क्वेश्चन है, इसीलिए IMP लिखना। KLM का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 5:3:2। ओके, ड्यू टू इलनेस एल वॉन्ट टू रिटायर फ्रॉम द फॉर्म। एल रिटायर होना चाहता है फॉर्म से, बीच वाला पार्टनर। ऑन 31 मार्च 2022 दे एडमिट हिज सन एन। अच्छा, वो जाके अपना बेटा को भर्ती कर रहा है तो कॉमन है अपना शेयर उसी को देगा। ये रहा बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 का, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, बैंक बैलेंस 80,000, कैपिटल KLM का रिजर्व। याद है ना, रिजर्व क्या करेंगे, रिजर्व बांट के ले लेंगे, और ट्रेड पेबल। ऑन रिटायरमेंट ऑफ द एल एसेट्स का रिवैल्यू दिया है, फर्नीचर 10,000 हो गया, फर्नीचर पहले 20 था अभी 10 हो गया, कम हो गया। इन्वेंट्री 30 हो गया, पहले इन्वेंट्री 50 था अभी 30 हो गया, कॉमन है, कम हो गया, बहुत ईजी है। 50% अमाउंट ड्यू टू एल इज पेड ऑफ इन कैश। एल का आधा पैसा हम कैश में पे करेंगे, बाकी जो आधा है ना उसका बेटे के नाम पे ट्रांसफर करने बोला है। 50% अमाउंट ड्यू टू एल इज पेड ऑफ इन कैश एंड बैलेंस वॉज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल ऑफ एन। ऑन द एडमिशन द न्यू पार्टनर गुडविल वॉज वैल्यूड एट 50,000। गुडविल का वैल्यू दिया है फॉर्म ऑफ गुडविल, कॉमन है, कौन किसको पैसे देता है जल्दी बताओ, गेनिंग पार्टनर मेक पेमेंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मैंने एडमिशन में स्पेशल इसका लेक्चर लिया है कि गुडविल का पैसा कौन किसको देता है, गेनिंग पार्टनर सैक्रीफाइसिंग पार्टनर को देता है, प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करो, तो मैं बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, प्लीज। हाँ, गुडविल वॉज वैल्यूड एट 50,000। आगे लिखा है, पार्टनर आर बींग पेड ऑफ देयर एक्स्ट्रा बैलेंस टू मेक द कैपिटल प्रपोर्शनेटली। ठीक है ना, वो बोलता है कैपिटल प्रपोर्शनेटली होना चाहिए, मतलब कैपिटल PSR रेशियो में रहना चाहिए, लास्ट का क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बनाने जा रहे हैं, जर्नल एंट्री पास करने बोला है और बैलेंस शीट और कैपिटल हम लेजर बनाएंगे पूरा का पूरा। जर्नल एंट्री आप कर लेना, इजी है, जर्नल एंट्री मारना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो मैं 3 लेजर बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर हैं KLM, बाद में यह हमारा बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 का। अगर 31 मार्च 2022 लिखा है तो 1 अप्रैल डाल देना, एक आगे का आफ्टर रिटायरमेंट। हाँ, एसेट और लाइबिलिटी, यहाँ हम लोग वर्किंग नोट्स शुरू करेंगे। रिवैल्यूएशन का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, बार बार समझाया सर ने, किसका ओपनिंग बैलेंस होता है, कैपिटल का होता है। तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस देख लो कितना है, 40,000, 30,000, 40,000, 60,000 और 30,000, 40,000, 60,000 और 30,000 ओपनिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, यस सर। उसके बाद याद है ना, रिजर्व बांट के ले लेना है, तो भाई बिना बोले, कुछ बोले ना बोले, रिजर्व खा लो फटाफट। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, मतलब 5/10। तो रिजर्व में कितना पैसा है, 50,000, 50,000 इंटू 5/10, इसको मिलेगा 25,000, 50,000 इंटू 3/10, इसको मिलेगा 15,000,
50,000 × 2/10 इसको मिलेगा 10,000। बोलो समझ में आया रेशो को किस रेशो में बांट के लिया, पीएसआर रेशो में बांट के ले लिया हमने। क्या बैलेंस शीट बना लिए, बाकी देखते हैं। अब पैराग्राफ पढ़ने का जैसा मैं सॉल्व करो वैसे ट्रिक समझना। ऑन रिटायरमेंट द एल रिवैल्यूएशन दिया हुआ है, फर्नीचर इन्वेंट्री कम हो गया ना, फर्नीचर इन्वेंट्री कम हो गया तो उसका एंट्री हम नहीं कर रहे हैं, तो डेबिट ऑन द एक्सपेंस लॉस। फर्नीचर कम हो गया तो लिखेंगे टू फर्नीचर, फर्नीचर कितना से कम हो गया, फर्नीचर कम हो गया 10,000 से कम हो गया, नहीं रिवैल्यूड दिया ना 20 से 10 हो गया मतलब 10,000 से कम हो गया। और इन्वेंट्री कितना से कम हो गया, पहले इन्वेंट्री 50 था अभी 30 हो गया, इन्वेंट्री 20,000 से कम हो गया। बैलेंस शीट में हम फर्नीचर रेडीमेड लिखेंगे, फर्नीचर पहले 20 था अभी 10 हो गया तो डायरेक्ट 10 लिखेंगे। इन्वेंट्री स्टॉक पहले 50 था अभी 30 शो करना है, तभी तो 20,000 से कम किए, समझा। 50% पे करेंगे, बाकी उसका बेटे के नाम पे ट्रांसफर करेंगे। एडमिशन दवा गुडविल फॉर्म का गुडविल दिया, जब भी फॉर्म का गुडविल दिया तो बिल्कुल कंट्रोल मत करना, ये वर्किंग करना हमारे साथ के एल एम, याद है ना, ओल्ड माइनस न्यू। व्हाट इज़ द ओल्ड रेशो गिवन इन द प्रॉब्लम, 5:3:2। लेकिन रुक जाओ, एक और एक पार्टनर आ रहा है ना के एल एम, और इसका बेटे का नाम क्या है, एन। ये ओल्ड रेशो, अब न्यू रेशो क्या होगा के इसके जगह पे अपना बेटा को भर्ती कर रहा है ना बेटा, तो इसका तो शेयर इसका बेस रहेगा 5/10, 3/10, 2/10। ये अपना बेटा को भर्ती किया तो कॉमन है, अपना शेयर अपना वसीयत का हर चीज इसी को देगा तो 3/10 ये इसको देगा, समझ में आ रहा। तो इसका तो सेम एज इट इज रहेगा 5/10 और 2/10, तो ओल्ड में से न्यू माइनस करते हैं तो इसका तो कुछ भी नहीं है, नील हो गया। इसका 3/10 प्लस में ये देखो ये हो गया ना, नील हो गया, और इसका -3/10। इसका मतलब कौन किसको पैसे दे, पॉजिटिव आदमी लाइफ में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है, गेनिंग पार्टनर है, तो गेनिंग पार्टनर मेक पेमेंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। इसका एंट्री क्या आएगा मालूम है, फेवरेट एंट्री एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल। कितना देगा, पूरा फर्म का गुडविल नहीं देगा, फर्म का गुडविल 50,000 है तो 50,000 का 3/10 देगा, 50,000 × 3/10 आंसर 15,000, तो 15,000 50,000 का 3/10 देगा, मतलब 15,000 ये इसको ट्रांसफर करेगा, इसका कैपिटल कम करेंगे इसे कैपिटल बढ़ाएंगे, समझा। ये गुडविल का एडजस्टिंग एंट्री, गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, बोलो समझा, गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल कैपिटल। इस एंट्री का पोस्टिंग कर लेते हैं, एन का डेबिट में लिखे, अरे चार पार्टनर थे ना तो कॉलम बनाना पड़ेगा, के एल एम एन, हाँ ठीक है, मेरा तो हो गया, चार पार्टनर थे ना, तो एंट्री आएगा एन कैपिटल टू एल, एन का डेबिट में लिखेंगे टू एल कैपिटल, एन का कैपिटल कम करेंगे 15,000 से और इसको 15,000 बढ़ा देंगे एल का, लिखेंगे बाय एन कैपिटल, ये गुडविल का एडजस्टिंग एंट्री। नेक्स्ट आगे बढ़े, बाद में बोलता है पार्टनर आर बिंग पेड ऑफ देयर एक्स्ट्रा बैलेंस टू मेक द कैपिटल प्रपोर्शनेट, ठीक है ना, उनका कैपिटल प्रपोर्शनेटली होना चाहिए, ऐसे ऐसा उनका इच्छा है। ऑलमोस्ट तो कुछ नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करोगे तो लॉस आता है ना बेटा, 30,000 का लॉस आता है, लॉस कॉमन है, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन किसको मिलेगा, के एल और एम को मिलेगा इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। तो 30,000 × 5/10 15,000 के को मिलेगा, 30,000 × 3/10 इसको 9,000 मिलेगा, 30,000 × 2/10 इसको 6,000 मिलेगा।
इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ आएगा, टू रिवैल्यूएशन लॉस, के को लॉस कितना हुआ 15,000 का लॉस हुआ, एल को लॉस 9,000 का और इसको 6,000 का। प्रॉफिट लॉस हमेशा ओल्ड पार्टनर को दिया जाता है, न्यू पार्टनर को नहीं दिया जाता, ये तो सबको मालूम है। अब जो पार्टनर जा रहा है उसमें उसके ऊपर क्रॉस कर देता है, एल जा रहा है ना बेटा, उसके ऊपर क्रॉस करके रखा हूँ, पहले उसी का हिसाब किताब कर लेंगे। सुना है, जो पार्टनर जाता है पहले उसका हिसाब किताब कर लेने का, तो एल का हिसाब किताब कर लेते क्योंकि ऑलमोस्ट तो हमने सब क्वेश्चन पढ़ ही लिया है ना, पढ़ ही लिया है। तो आज देखते हैं कि एल का कितना देना है, एल को तो 60,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 90 माइनस 9,000, मतलब एल को ना 81,000 देना है। सुन रहे हो, एल का जब टोटल करते हैं तो 90,000 होता है, ये साइड 90,000, 81,000 नहीं लिखेंगे, आधा आधा करेंगे, 81,000 का हाफ 40,500 और 40,500, सुन रहे हो, दो 40,500 और 40,500 गोल किया हो ना, बैलेंसिंग फिगर, आधा आधा करने का। वो बोलता है आधा ना हम पे कर देंगे तो लिखेंगे टू बैंक, अपना बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, और आधा ना आप उसका बेटे के नाम पे ट्रांसफर करेंगे, एन कैपिटल, समझा। एंट्री आएगा एल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू एन कैपिटल, समझा, आधा आधा करने का, तो मास का भी आधा आधा हो जाएगा। इसका सेकेंड इफेक्ट बैंक बैलेंस में से कम करेंगे, पहले बैंक बैलेंस में झूठ मूठ का लिख देता हूँ, बताओ बैंक बैलेंस क्वेश्चन में कितना दिया था, बैंक बैलेंस दिया था 80,000 बरोबर, इस 80,000 में से इसका पैसा वापस करोगे तो 40,500 कम हो जाएगा, ये 40,500 कम हो जाएगा, और बाकी उसका बेटे के नाम पे ट्रांसफर किया तो लिखेंगे बाय एल कैपिटल, एल ने दिया उसको 40,500, क्लियर। अरे इसका सेकेंड इफेक्ट इधर लेस हुआ, इसका सेकेंड इफेक्ट इधर आया, डाउट है तो घूर के मत देखो, मैं एंट्री करके दिखा देता हूँ। एंट्री आएगा एल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू एन कैपिटल, इसका 980 कितना था, 81,000 था, 81,000 में 40,500 उसको बैंक पे किए और बाकी 40,000 उसका बेटे के नाम पे ट्रांसफर किए, ठीक है सर। अब एक शर्त और एक बोला है, एक तो हर क्वेश्चन में करते हैं, वर्किंग नोट नंबर हमारा 1 था, एक और एक वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ करता हूँ, जगह नहीं है सॉरी। तो वर्किंग नोट नंबर 2 बोलता है कैपिटल प्रपोर्शनेटली होना चाहिए, ऐसी बोला है ना, कैपिटल प्रपोर्शनेटली होना चाहिए। तो मुझे बताओ पार्टनर कौन बचे है अभी, के एम और एन बचा है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:2:3, और आपको मालूम है एन का क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 40,500 माइनस 15,000, एल का कैपिटल है 25,500, मतलब 25,500 3 है तो 2 कितना 5 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तो क्लोजिंग कैपिटल मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहेगा। ये कैसे है समझा, 40,500 था ना, उसमें से 15,000 तो गुडविल का दे दिया उसने, तो उसका क्लोजिंग कैपिटल 25,500 बचेगा एन का। तो बोलता है कैपिटल प्रोपोर्शनेटली रहना चाहिए, कैपिटल ना पीएसआर रेशियो में होना चाहिए, मतलब 25,500 3 है क्योंकि 13 सीट मालूम है, कंफर्म है, इनका नहीं मालूम है, तो 2 कितना क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 2/3, तो इसका आएगा 17,000, 25,500 इंटू 5/3 करो, इसका आएगा 42,500, बोलो समझा कहां से आ रहा है, क्लोजिंग कैपिटल समझा कैसे निकाला, बोलो जल्दी, डाउट आ रहा है ये कैसा आया, एन का माइनस कर दो, एन का क्लोजिंग इतने ही आता 25, तो 25,500 3 है तो 2 कितना 5 कितना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्लोजिंग कैपिटल हमें मिल गया, तो क्लोजिंग कैपिटल हम लिख देते हैं 2 बैलेंस कैरीड डाउन, तो बोलो के का कितना लिखूं, 42,500, गलत पटरी में सो गए, के इधर है 42,500, इसका 17,000 और इसका 25,500, समझा किधर से है, एक क्लोजिंग कैपिटल हमने निकाला। अब जब आप टैली करोगे जो डिफरेंस आएगा बैंक से एडजस्ट करने का, सुन रहे हैं, बैंक लिखने का, बैंक बैंक, चलो टैली करते, क्रेडिट साइड शुरू करते, 40,000 प्लस 25,000 65, माइनस 15,000 माइनस 42,500, 7,500 इसका वापस करेंगे तो लिखेंगे टू बैंक, ये सर डिफरेंस आ रहा है बेटा, तो गोल किया हूँ मैं भड़कने का नहीं, 7,500 के का वापस करेंगे, इसका एक्सेस कैपिटल है, एम का डली करो भी,
30,000 प्लस 10,000 40, माइनस 6,000 माइनस 17,000, ये बेटा इसका 17,000 ज़्यादा है तो इसका भी 17,000 वापिस करेंगे, बोलो समझा। और उसका तो टैली हो गया था, तो एक का 7,500 वापिस करेंगे और एक का 17,000 वापिस करेंगे। जब वापिस कर तो उसका एंट्री कर लेना, एंट्री आएगा के कैपिटल एम कैपिटल टू बैंक, लेकिन अभी हमारे काम का पोस्टिंग, बैंक बैलेंस कम होएगा ना इतना से, 7,500 से बैंक बैलेंस कम होगा और 17,000 से बैंक बैलेंस कम होगा, समझा। किसी ने पैसा लाया, ना बेटा। किसी को दिया, हाँ बेटा। एल को दिया था, इसको दिया, इसको दिया और लेस किया, ओके। तो क्लोजिंग कैपिटल कितना लिखे बेटा, कैपिटल कितना लिखे के का 42,500, एम का 17,000 वापस किया उसका, और एन का 25,500। अब बैलेंस में जो बचा कुछ आइटम है उसको एज इट इज लिख दो, जैसे कि ट्रेड पेबल को हमने टच भी नहीं किया, 20,000 एज इट इज लिख दो। फर्नीचर हो गया, ट्रेड रिसेबल कुछ भी नहीं किया हमने, तो ट्रेड रिसेबल का एज इट इज लिखेंगे, कितना लिखेंगे 50,000। और इन्वेंट्री हो गया, बैंक बैलेंस एडलेस कर लो तो बैंक बैलेंस पता चलेगा, 80,000 माइनस 40,500 माइनस 7,500 माइनस 17,000, तो बैंक बैलेंस बचा है 15,000। चलो टैली करते हैं, 42.5 प्लस 17 प्लस 25.5 प्लस 20, तो टैली अमाउंट है 1,05,000, ये साइड 10 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 15, वाओ, जिंग जिंग जिंगाट। तो एज्यूम करता हूँ समझ में आया, सॉल्व किया हमने एकदम इजीली। तो क्या था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एडमिशन प्लस रिटायरमेंट दोनों था। रिकॉल करता हूँ क्या किया हमने, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, रिजर्व को बांट के ले लिया, ये वाला पॉइंट तो हर क्वेश्चन में करते, तेरे बिना जिया जाए ना, क्या ओल्ड माइनस न्यू करने का, जो आदमी प्लस में आएगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो माइनस में है गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को पैसा देता है, तो एन कैपिटल टू एल कैपिटल गुडविल का एंट्री। तो बाकी दो एसेट रिवैल्यू हुआ था, उसका लॉस ट्रांसफर किया, गुडविल का पोस्टिंग किया। इस क्वेश्चन में बोले थे जितना भी एल का पैसा है आधा उसको पे कर दो, आधा उसका बेटे के नाम पे ट्रांसफर कर दो, किया। और कैपिटल प्रपोर्शनेटली होना चाहिए, तो कैपिटल एन का मालूम है ना, एन का कैपिटल हमें मालूम है कन्फर्म, 40,500 माइनस 15 तो 25,500 3 है, तो क्रॉस में 2 कितना 5 कितना है, क्लोजिंग कैपिटल हमें मालूम है, बाकी पैसा वो बैंक से लाए वापस कर दिए, हो गया एकदम सिंपल क्वेश्चन, ओके। एज्यूम करता हूँ लेक्चर समझा, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, फ्रेंड लोग से शेयर करो, ओके बाय बाय। यूट्यूब पे पूरा मेरा CA फाउंडेशन CA इंटर का लेक्चर फ्री में अवेलेबल है A to Z, ओके। तो पैसा बचाओ बेटा, मम्मी डैडी का पैसा वेस्ट मत करो, किसी और काम में लगाओ, ओके बाय बाय।